हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही एग पराठा। ये एक स्नैक्स रेसिपी है और आप इसे शाम के हल्की फुल्की भूख में भी बना के खा सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं एग पराठा। एक कप हमने मैदा लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, इसमें हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे और ये 2 टेबल स्पून हमने एडिबल ऑयल लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का हम आटा लगा लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका हम आटा लगा लेते हैं। बहुत टाइट आटा नहीं लगाना है, बस हम ऑयल इसके ऊपर डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ये शाही अंडा पराठा बनाने के लिए हमने ये एक प्याज लिया है बड़े साइज का, इसके साथ में ही हमने एक हरी मिर्च एकदम बारीक कट करके ली है, ये शिमला मिर्च ली है एक छोटे साइज की, 4 हमने अंडे लिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, ये थोड़ा सा मोजरेला चीज़ है, 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, ये चिली फ्लेक्स है और नमक है। ये सभी चीज़ें इसमें ऐसा कुछ भी कन्फर्म ऐसा मेजरमेंट नहीं है, आप आपके हिसाब से डालिए। मैं अलग अलग से बनाने वाली हूँ हर एक अंडे का, एक साथ बनाने से बाद में उसको पानी छूटता है, इसलिए हम अलग अलग एक एक अंडे का बनाएंगे। आटे को हमने 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, अभी हम इसके गोले बना लेते हैं। जितने हमें पराठे बनाने हैं उतने, जितना आटा हमने गूंदा था उसमें से 5 रोटियां निकली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी रोटी बेल लेंगे। एकदम पतली नहीं है और एकदम ठीक नहीं, जाड़ी नहीं, ऐसे हमें रोटी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना थिकनेस उसका चाहिए रोटी का हमें, इससे पतला नहीं चाहिए रोटी। अभी हम अंडे का जो बीच में हमें स्टफिंग करना है वो बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये एक अंडा लिया है जो मैं तोड़ लेती हूँ। इसमें हम सभी चीज़ें ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, चिली फ्लेक्स हमने लिया है वो डालते हैं थोड़ा। ये अलग अलग से हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम एक साथ बना लेते हैं तो उसको थोड़े टाइम के बाद पानी छूटता है। ये प्याज डाल लिया, ये थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल ली और धनिया पत्ती डाली। ये देखिए फिर सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। ये हमने बना लिया है। अभी हम जो स्टफिंग हमने बनाया है ये इसमें बीच में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और साथ में ही इसके ऊपर हम कुछ चीज़ डाल लेंगे और ये इस साइड से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और ये साइड से भी हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पर ये साइड से फोल्ड करते वक्त हम इसको थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइज आपको जैसी चाहिए वैसे आप बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पराठा हम इसमें ऑयल में डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। पराठे को हम ऐसे साइड से इसके ऊपर ऑयल डालते रहेंगे ऊपर से, ताकि हमारा जो अंडा है अंदर में वो जल्दी से पके। एक साइड से पूरी तरह से होने लेंगे, फिर हमें इसे पलटना। पराठे को हम दूसरे साइड फ्लिप कर लेंगे, इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये साइड से इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में से बाहर निकाल देते हैं। ये हम दूसरा वाला एक पराठा इसमें ऑयल में डाला है। ये हमारे सभी पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसको कितना अच्छा कलर आया है। आइए फ्रेंड, एक और तरीके से हम यही पराठा बनाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने अभी रोटी बेल ली है, इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। इसका हम लच्छा पराठा जैसा पराठा बनाएंगे और फिर उसमें हम अंडे का स्टफिंग स्टफ करेंगे। इससे बाहर का जो कवर है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। फिर हम इसे इस तरह से ऐसे पूरी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी मैं इसको बेलती हूँ, वापस से रोटी बनाती हूँ इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रोटी बना ली है। अभी मैं एक का स्टफिंग बनाती हूँ। ये एक का स्टफिंग हमने बना लिया है, ये इसके ऊपर डाल देते हैं और तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। अभी हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ और इसे भी इसके ऊपर फोल्ड कर लेती हूँ। साइड से भी हम इसे पानी लगाएंगे अच्छे से। और ये साइड से भी हम इसे पानी लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठे को हमने साइड से अच्छे से पैक कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम पराठे को ऑयल के अंदर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे रखा है। पराठे को हम एक साइड से अच्छे से पूरा होने देंगे, फिर इसे पलटेंगे। तब तक हम इसको ऐसे ऊपर से ऑयल डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रिस्पी है और इसमें हमने वो लच्छा पराठा में इसे स्टफ किया है और अंदर चीज़ भी है। ये देखिए आप देख सकते हो, ये चीज़ बहुत सारा चीज़ हमने इसमें भरा था।
फ्रेंड्स, ये हमने लच्छा पराठा में बनाया है। तो इसके परते देखिए आप, कितने लेयर्स दिख रहे हैं ये आप देख सकते हो। इससे ये इतना खस्ता लगता है पराठा खाने में, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता पराठा हमारा बनता है। ये देखिए नीचे भी देख सकते हैं आप, कितने लेयर्स दिख रहे हैं वो, और अंदर चीज़ भी हमने डाला है उसके, तो वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट में बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए कितने अच्छे परते आई है इसको। ये फ्रेंड्स, ये हमारा शाही अंडा पराठा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।